अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही फुलकियों की रेसिपी जो कि मैंने चने पुलाव के साथ लास्ट एपिसोड में बनाई थी। और अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर छनावा बेसन एक कप के करीब। छनावा अच्छा होता है क्योंकि उसे फ्लफ़ी थोड़ी सी बनती है आपकी दही फुलकी। और साथ में मैं ऐड करूँगी यहाँ पर बेकिंग सोडा, जो यानी सोडा बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा, मीठा सोडा कहलाता है, हाफ़ टी स्पून के करीब। और साथ में मैंने नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। और अजवाइन को मैंने हाथ से दरदरा कर लिया था, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और रेड चिली पाउडर 1/4 टी स्पून लिया है। और गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टी स्पून। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने आधा कप पानी के साथ इसका अच्छा सा व्हिस्क करा है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती गई थी और आधा कप के करीब ही पानी लगा है, उससे कम भी आप लगा ले सकते हैं, मगर आधा कप में हो गया था। और इस तरह से ऐसे कंसिस्टेंसी जो है वो हमें रखनी है, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स कर दी गए ताकि अच्छे से लम्स आपके सारे ख़त्म हो जाए। और इनको डीप फ्राई करना है। और एक साइड से फ्राई हो गए थे, अब दूसरी साइड से फ्राई हो रहे हैं। एक एक टेबलस्पून लिया था तकरीबन मैंने, और इसको निकाल के मैंने पानी में डिप कर दिया। अब इसका दही रेडी करते हैं। दही मैंने यहाँ पर एक पाव लिया है, या जितनी मैंने दही फुलकियाँ बनाई थी उसकी हाफ दही फुलकियाँ इसके अंदर गई हैं। अगर आप उसको पूरी दही फुलकियों का बनाना होगा तो आप उसको आधा किलो आप ले लीजिएगा। सॉल्ट डाल दिया था, रेड चिली पाउडर डाल दिया था, गार्लिक पेस्ट डाल दिया था अगेन 1 टी स्पून, और सॉल्ट और आप लाल मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि लम्स वगैरह कुछ भी ना रहें। उसके बाद जो हमने डिप करी हुई थी दही फुलकी, इसको अपने सॉफ्ट हाथों से थोड़ा सा निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं वरना ये टूट जाएंगी। तो हल्का हल्का इसको इस तरह से निचोड़ निचोड़ के हमने इस दही के अंदर डालना है। इसके बाद हमने भगार की तैयारी करनी है। 2 टेबलस्पून हमने ऑनियन ली है, लहसुन के जबे 3 अदद हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, ग्रीन चिलीज़ हैं 2 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 15, और बटन चिलीज़ हैं हमारे पास 3 अदद। यहाँ पर 1/4 कप यानी 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, सो गर्म कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन के भी बारीक पीसेस कर लिए थे, तो लहसुन और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है यहाँ तक कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। हल्की सी ट्रांसपेरेंट स्टार्ट हो गई है ये होना, तो इसके बाद आप देख सकते हैं इस स्टेज पे हमने ये बाकी की सफ़ेद ज़ीरा, गोल लाल मिर्च, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। ये इस स्टेज पे इसलिए करना है ताकि आखिर में ये बहुत अच्छे से पक जाए हर चीज़, और इसका फ्लेवर जो है बड़ा इन्हांस होता है हर चीज़ का। ग्रीन चिलीज़ का भी टेस्ट आ जाता है और कड़ी पत्ते का भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इस तरह हिलाते रहना है ताकि इक्वली हर जगह कलर आ जाए। और अब ये मेरा भगार तैयार हो गया था 2 से 3 मिनट में। और ये आप दही फुलकियों पे डाल दें, और पेपरिका से या रेड चिली पाउडर से और आप ऊपर डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छी सी दही फुलके तैयार हैं। आप इसको चिकन, मटन, बीफ पुलाव या चना पुलाव, एज़ यू नो मैंने लास्ट टाइम आपको चना पुलाव बताया था उसके साथ मैंने खाया था तो बहुत अच्छा लगा था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो डू शेयर दीज रेसिपीज़ टू एवरीवन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।